हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और ये है मेरी फिंचेस, जैसा कि हम सब देख सकते हैं। ये है न्यू फिंचेस की कलोनी। और लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे इस केज में कई सारी फिंचेस थी और कई अलग अलग वैरायटी की फिंचेस थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आती हैं और उनको रखना ठीक इसलिए भी नहीं था क्योंकि वो ऐसे केजेस में ब्रीड नहीं कर सकती। और खास तौर पे ज़ेब्रा फिंच के साथ उनको रखना ठीक इसलिए नहीं था क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ज़ेब्रा फिंच बहुत अग्रेसिव होती हैं और उन लोगों को नुकसान भी हो सकता था, तो इसलिए उन लोगों को उड़ा दिया गया। खैर, वो वीडियो मैं नहीं बना पाया, इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन उनको बाद में उड़ा दिया। और क्योंकि वो इंडियन फिंचेज ही थी तो इसलिए वो बड़े आराम से गई और उड़ के बाकी फिंचेस के झुंड में चली गई। और इन लोगों के साथ देखिए ऐसा है कि इन लोगों को हम यहाँ पे अगर उड़ाने की बेवकूफ़ी करते हैं तो ये बचेंगी नहीं, मर जाएंगी, क्योंकि यहाँ की तो है नहीं, ये सब ऑस्ट्रेलिया की हैं। और अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं ये केज इन लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त सेटअप है। खैर, इससे बड़े का मैं सोच रहा था, लेकिन फिंचेस के लिए अभी फ़िलहाल इतना बड़ा भी बहुत है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो देखिए पानी वाला मैंने ये बड़ा लगा दिया और यहाँ है इनके पास ताज़ा ताज़ा पानी। और इस वाले में भी कंगनी है और इस वाले में भी कंगनी। कंगनी यानी कि अगर हम बाकी लैंग्वेज में कहें तो काकून, या फिर इसको छोटे वाले सीड्स कहते हैं, जो कि पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो अब मेरे पास ज़ेब्रा और उसका पेयर है, ये देखिए ज़ेब्रा और नीचे उसकी फीमेल। और ये जो वाइट वाले मेरे पास दो लड़के थे जिसमें से एक को मैं गलती से लड़की समझ के ले आया था, बाद में दोनों ही लड़के निकले, उनके लिए भी एक एक फीमेल। अभी आप देख सकते हैं ज़ेब्रा के थोड़े से बाल झड़ गए हैं नीचे से, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि सीज़न नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने ब्रीड की और ब्रीड करने के बाद उस अंडे पे मेहनत की जो कि बाद में हैच भी नहीं हुआ। और एक अंडा हैच हुआ था और इसमें हुआ क्या कि लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट आते आते अंडा जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और गर्मी की वजह से वो बेचारा बच नहीं पाया। लेकिन खैर, अभी मैंने यहाँ पे ब्रीडिंग बॉक्स इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी जिस टाइप का मौसम है, ह्यूमिडिटी और गर्मी, इन लोगों की ब्रीड करवाना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम थोड़ा सा और मौसम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, जैसे कि सितंबर या फिर अक्टूबर नवंबर ठीक रहेगा, और फिर इन लोगों की ब्रीड कराएंगे। कोशिश ये रहेगी क्योंकि मैंने इनको पाला है और ये सिर्फ वीडियोज़ के लिए हैं, कोई मुझे इनसे बिजनेस तो करना नहीं है, तो साल में सिर्फ दो ही टाइम ब्रीड कराएं जो कि सबसे बेस्ट टाइम रहेगा और बाकी टाइम ये लोग खाए पिए हेल्दी रहें। यहाँ जो फीमेल्स मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखें इन लोगों को, तो ये न्यू वाली फीमेल ये भी हेल्दी है और ये तो खैर पुरानी वाली है। और ये जो न्यू है ये एक फीमेल, इसके गर्दन पर ब्राउन शेड है आप लोग देखेंगे अगर, तो ये थोड़ी सी पतली दुबली है बिल्कुल ज़ेब्रा जैसी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये लोग भी हेल्दी हेल्दी हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने कैल्शियम ब्लॉक और बाकी सारी चीज़ें रख दी हैं। तो अभी इनके फीड के लिए और भी कई सारी चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन अगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए बात करूँ कि मैं इनको क्या क्या दे रहा हूँ, तो ये काकून आप लोग देख सकते हैं, बाजरा ये खाते नहीं क्योंकि बाजरा इनके लिए बहुत हार्ड पड़ता है। तो आप फिंचेस को जो भी फीड कराएं, जो भी चीज़ दें, वो सॉफ्ट फूड ही होना चाहिए। सॉफ्ट फूड में होता ये है कि इनको आसानी से वो चबा लेती हैं और जो भी उसका छिलका विलका उतारना होता है छिलका उतर जाता है और काफ़ी आसानी से ही खाने वाली चीज़ें लोग खा पाती हैं। बाजरा वाजरा अटक जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो इनको कभी बाजरा या कोई और चीज़ ना दें, देना हो तो सिर्फ काकून दें। और फ्रेश वाटर हमेशा, पानी बदलते रहें क्योंकि पानी बदलते रहना बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम के तौर पर तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर नीचे केज में क्या पड़ा हुआ है, ये एक्सेल है, आप एक्सेल दे सकते हैं। और बाकी जो भी कैल्शियम ब्लॉक और मैंने वो सब बनाया है इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल आप लोगों को इनसे मिलाना था। और ये है वीडियो पार्ट नंबर 1 यानी कि फिंच पार्ट 1। और भी वीडियोस आती रहेंगी फिंचेस के ऊपर कि इनकी कैसे मैं ब्रीड करा रहा हूँ, क्या क्या फीड दे रहे हैं, तो इनका पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग डेली अपडेट्स देखते रहेंगे, भले उसमें मेरा वॉइस ओवर ना हो यानी कि मेरी आवाज़ ना हो, लेकिन जो भी अपडेट रहेगा डेली आपको रिकॉर्डेड मिलता रहेगा, चाहे वो म्यूज़िक के साथ हो चाहे इन्फॉर्मेटिव मेरी आवाज़ के साथ हो, आप लोगों को डेली इनके अपडेट मिलेंगे और जो कुछ नया होगा वो आपको बताता रहूँगा। तो चलिए फिलहाल अभी वीडियो करते हैं एंड और लाइट करते हैं ऑफ और इन लोगों को करने देते हैं आराम, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें, बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।